अमृतसर खाइयांवाला बाजार विच कारोबार करन लई पति पत्नी वल्लों एक होटल लीज ते लै के चलाया जाण लगा, लेकिन पति पत्नी विच अणबण होण नूं लै के दोहां विचाले झगड़ा हो गया ते पत्नी ने अपने ही पति दे उपर गंभीर इल्जाम लगा दित्ते अते होटल दे विच काफ़ी कुटमार भी हुई, जिस दी वीडियो भी सामने आई है। इस संबंध विच पूजा अरोड़ा नाम दी औरत वल्लों दस्या गया कि उसने अपने पति नाल होटल दे विच हिस्सेदारी पाई सी, लेकिन उसके पति वल्लों ना तो उन्हां नूं कोई पैसा दिता गया ते ना ही वह समय सिर घर आउंदा सी, जिस नूं लै के अक्सर ही उन्हां विचाले झगड़ा हुंदा रहिंदा सी। अते अज जदों मौके ते आई तां उसने देखिया कि उसका पति होटल विच बैठ के शराब पी रहा सी अते इस दौरान पति पत्नी विच काफ़ी बहस भी हुई। उन्हां दे पुत्तर वल्लों अपने ही पिता की कुटमार भी की गई। दूसरे पासे इस मामले विच पूजा अरोड़ा दे पति ने दस्या कि उसने 12 साल पहला इस औरत दे नाल व्याह करवाया सी अते उदों तो लै के हुण तक यह औरत उसनूं तंग परेशान करदी आ रही है। उन्हां कहा कि होटल लई उसकी पत्नी वल्लों पैसे जरूर दिते गए हन, लेकिन वह पैसे बैंक के जरिए उसनूं वापस भी कर रहा है। दूसरे पासे मौके ते पहुंचे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूजा अरोड़ा नाम औरत वल्लों वूमेन हेल्पलाइन दे उपर फोन करके जानकारी दित्ती सी कि उसके पति नाल उसका झगड़ा होया है। मौके ते पुलिस वल्लों पहुंच के जांच की जा रही है ते जांच तो बाद जो भी दोषी पाया गया उस खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। मेरा नाम पूजा अरोड़ा है। मैं अपने हसबैंड नूं पहले अपने भाई वाली होटल लैके दिता NC 999 और भी चाहे मेरे ब्रदर ना शराब पी के झगड़ा झुगड़ा करता तो मेरे ब्रदर ने इन्हू कढ़ दिता। उस तो बाद सर इन्हें की किया कि ना मैं इनू ए वाला होटल लैके दिता, इन्हें मैं 2.5 लाख रुपये 3 लाख रुपया लैके दिता, 2 लाख लोन तो 1.5 लाख रुपया अपने ब्रदर को लैके दिता कैश। अरे मैं लोन लैके दिता तो मैं इनू कहा कि तू अपना होटल चला तो अपना कारोबार कर। यह होटल के बचाए रोज़ ही शराबा पीता है, रोज़ ही मतलब कि इतने लड़कियाँ मार के बैठा रहा है, घर बार बिल्कुल छड़ दिता, ना आंदा ना जाता है। तो मैं इनको रोज़ आनी है तो रोज़ मैंने भजा दिता होटल चो कि तू होटल नहीं आना। मैं कहनी गलबात की है, मैंने दस इतने शराबा पी के बैठा रहा वै। तो मैं अच्छे को ना पैसे लैन आई, मैं कहा तू इस तरह कर, तू मैं 3.5 लाख रुपये वापस कर दे ते तू होटल सामला, मैं तेरा होटल से कोई नहीं इंटरफेयर करती। इन्हें की किया मैं अज पता लगा कि इन्हें मेरे 400 खेडी, इन्हें 3.5 लाख रुपया मेरे को लैके मेरे सैन करा के ते मेरे नाम का एग्रीमेंट नहीं किया, एग्रीमेंट अपने नाम का करा लिया, जो मेरा स्टाम्प से सैन किया फाड़ दिता। इन्ह ने हमसला हो के सारे ने मेरा एग्रीमेंट फाड़ दिता तो अपना एग्रीमेंट झूठा मतलब कि लगा लिया। तो हूँ 3.5 लाख रुपया मैंने दिता नहीं पाया, हूँ शराब पी के आया रात भर दी, मैं बाहर बैठी हूँ सर, मैं थरे ते बैठी हूँ रात भर दी, सवेर तक हूँ बैठी ही सी ते हूँ आया हार के मैंने कहता 10 की चाहिए तेनू कि मैं क्या मैंने पैसे दे दे, मैंने कोई और इंटरफेस नहीं की, भावें तू घर आ ना 2 महीने हो गया बंदा घर नहीं आया, एक दिन भी एक दिन इन्हें घर का बुआ नहीं देखा, कपड़े भी इतने लै गए इतने नहाता इतने धोंदा। हूँ इन्हें कहता मैं हाथ चला की करूँ लग पाया, मैंने हाथ चला करके मेरी बाहों मनोर लग पाया, कहता मेरे को भी बड़े बड़े तगड़े गैंगस्टर हो गए, मैंने तेन नहीं पता मैं कराँगा। मैं फिर इन्होंने कहा मैं चल तू जो करना ना अच्छा कर ला, मैं फिर मुना लाजमान फोन कर दिता, मौके पर पुलिस आ गई, तुहानू फोन किया तुसी आ गए, मैनू जेकर इन्हें ना पैसे दिते क्योंकि मैं पैसे कर्जा चुकया सर अपने बच्चों लई, मैं अपने बच्चों स्टैंड करन लई, लेकिन इन्हें मेरे बच्चों स्टैंड नहीं किया, इन्हें हड़प कर लिया मेरा पैसा, जेकर इन्हें मैनू ना कोई पैसे वापस किए मैं सच्ची अग ला के तेल ला के मर जाना। जी मैं अपने हसबैंड ने ठगी मार ली, मेरे 3.5 लाख रुपये मेरे को पैसा पैसा ले लिया, कहना तेरे बच्चे भी बिठावगा आप दोवें होटल चलावे, तो हूँ एग्रीमेंट मेरा कैंसल करते, मेरा एग्रीमेंट नहीं करवाया अपने नाम का एग्रीमेंट करवा के, तो मैं अज पता लग रहा कि एग्रीमेंट मेरे नाम का, मैं कहना एग्रीमेंट तो मेरे नाम का, तू मैं कितों कट देंगी, तेन मैं कट के विखाना किस तरह क्ढी का सर इस तरह कह के ना, तो मेरे हचला की कर लग पाया, फिर इन्होंने मैंने बचाया। हाँ जी मैं बिल्कुल कार्रवाई ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੋਨ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਔਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਰੇਡੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ASI ਥਾਣਾ ਹਕੀਮਾ ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਈ ਹੋਟਲ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਛੱਡਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1,40,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ 80,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ 50-60,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਜਾਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਭਾਅ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਵਾ,
मैनू 12 साल के बहुत ज़्यादा हरासमेंट हुई है। तुसी थाना डीडवीन बीडवीन सीडवीन कतवाली जाके पता कर लो कि किन्ने मेरे ते दरखास्तां दित्तियां, किन्नियां कंप्लेंटां पईयां वा, उस तो बाद मेरे नाल गल करो। मैं बहुत ज़्यादा हरासमेंट हाँ, ये ना वे इन्हें तो मरना नहीं है कि मैं कुछ करना अपने आप नूं ते मेरी मौत की जिम्मेवार ये जनानी होएगी। मैं तुहानूं साफ लफ्ज़ां कह रहा वा कि मेरी मौत की जिम्मेवार जनानी होएगी ते मैं अपना आप नूं कुछ कर लैणा। मैं दुखी बहुत हाँ भाजी, मैनूं डेली हरासमेंट करती है, कभी मेरे जाके थाने विच दरखास्तां दिंदी है कि मैनूं खर्चा नहीं दिंदा, जबकि मेरे को डेली खर्चा लैके जाती है। ये मैनूं बहुत ज़्यादा हरासमेंट करती है, मेरे परिवार को भी करती है। जेकर मेरे परिवार को जां मैनूं कुछ होंदा वा ये जनानी मेरे जिम्मेवार होएगी, क्योंकि मैं बहुत भाजी मेरे साल नूं 12 साल हो गए आ, 12 साल तो मैं हरासमेंट होंदा आया वा ते हरासमेंट अज भी हो रहा वा। पर मैं कभी भाजी अज तक माड़ा नहीं सोचा। मैं कहना यही है कि ठीक है मेरा घर परिवार आ, मैं नहीं किसी बारे कुछ करना, पर यह जनानी एट ए टाइम घर च माई 100 गल्लां होंदियां, लड़ाई झगड़े होंदे आ, पर घर में सुलझ होंदे बह के। ये नहीं है कि घर च माड़ी उन्नी की गल हुई है कि आप थाने जाकर दरखास्त देती है, आप ये करता वो करता। मैं उस चीज़ तो भजन नहीं दिया, जो 3.5 लाख की गल करती भी ना, मैं उस चीज़ तो भजन नहीं दिया। मैं किस्ता देन दिया, मेरे बच्चे गवाह है जिसे ना तो मैं लोन लिता हो, मेरा बच्चा गवाह है, किस्त पहुँचती मैंने हर महीने के नहीं पहुँचन दी, जो कहेगा नहीं पहुँचती भी। तो भाजी मैं तो जड़ी कार्रवाई बनती है मोरा हकदार है, उस टाइम मेरे कराए भाजी अपने बच्चे तीन बच्चों पुछ लो, बच्चों पुछ लो, जो बच्चे कह देंगे एक बारी भी कि मैनू होटलों तो मना किया वा, तुम जो कहोगे मैं करा, होर दसो बच्चे सामने खोते ताले, मैं कभी किसी ने मना नहीं किया। भाजी मैं तुम्हें कह रहा मेरे ऑनलाइन कैमरे चल रहे ऑलरेडी, जे मैंने कोई माड़ा चंगा बोला मेरे ऑनलाइन कैमरे रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है जी। जो मैं बोलिया ना तो मैं तुम्हें कैमरे रिकॉर्डिंग जिड़ी तरीक तू कहो कट के तुम विखा दाँगा, फिर मैं दस्यो जो मैं गलत हाँ। धोखाधड़ी भाजी की कीती, मैं तुम्हें साफ दफ दसिया मैं कि भाजी ये गलबात हैगी है, यह पेमेंट देनी इन्हें मैं देनी है, 2 महीने बाद देनी 2 लाख रुपया, 1,40,000 रुपया एस आई मलकीर सिंह थाना कीमा गेट, उन्होंने मेरा भाईवाल ही पाई थी, उन्होंने ऐटोमैटिक अपना ऑटोमैटिकली क्या हूँ एट ए टाइम कि मैं तेना भाईवाल ही नहीं पाने। मैं उन्होंने जवाब देता नहीं पानी भाजी कोई गल नहीं, पैसे वापस हो जाएंगे, 80,000 रुपया मेरे को हूँ ले लो, जरा 40-50-60,000 बचता वा वो तुम्हें 1 महीना 15 दिन हट के मिल जाएगा। वो कहते कि नहीं मैंने हूने चाहिए, मैं हूने तो मेरे को है नहीं भाजी, फिर इन्हें जाके मेरी कंप्लेट करती है तो मैं धोखाधड़ी तो की कोई नहीं। ऑलरेडी मेरी किस्तां मेरे फोन चो जान रही, गूगल पे च पईया, हर महीने जान रही, मेरे को प्रूफ पे देख सकना तुम देख सकते हो, कोई चक्कर नहीं, मैंने कोई टेंशन नहीं। भाजी मामला इदा कि जिदा सीएम साहब ने एक बड़ी सर्विस शुरू की 112 की वुमेंस हेल्पलाइन दे रिगार्डिंग मैडम पूजा ने तो इन्होंने कंप्लेन की अपने हसबेंड के खिलाफ होटल इनोवा या ग्रैंड कोई इतने उत्थे आए हैं, गलबात सुनी इन्हों की मैडम की पूरी स्टेटमेंट ली आ और इन्होंने हसबेंड फोन किया वा और उन्होंने आने पर जी भी स्टेटमेंट आ जो भी बनती कार्रवाई आ वो की जाऊगी और मैडम जो बनता इंसाफ है वो पुलिस वालों दिता जाएगा। मामला देखो जी ये हसबेंड वाइफ की गल है कि इन्होंने ये कहें जी मैं पैसा जोड़ा सी अपने को अपने हसबेंड को दिता होटल लैन वास्ते लीज से होटल लिया इन्होंने और इन्हों का एक भी कहना बच्चे है कि इन्होंने जो एग्रीमेंट आ वो अपने नाँ पर कर लिया कि जो एग्रीमेंट मेरे नाँ पर बनना चाहिए सी, एक भी एक गल सामने आई है इन्हों की। हुण जदों उन्होंने हसबेंड आएंगे फिर सारा मामला जोड़ा तय किया जाऊगा, वेरीफाई किया जाऊगा, उस तो बाद ही आप जो बनती कार्रवाई आना करा जो जस्टिफिकेशन हो सकती है मैडम दवाने।